खबर मधुबनी जिले के बिस्फी प्रखंड क्षेत्र से आ रही है, जहां भयानक आग लगने से दर्जनों घर जलकर राख हो गया है। मधुबनी जिले के बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के बिस्फी पंचायत के मोतनाजे गांव में मंगलवार की दोपहर अचानक एक घर में भयानक आग लग जाने से दर्जनों आवासीय घर जलकर खाक हो गई है। हवा की रफ्तार 5 मिनट में कई घरों को लपेट लिया। वहीं उसी दौरान सीओ प्रभात कुमार को सूचना दी गई। वहीं प्रखंड मुख्यालय से 2 मिनट के दरमियान सीओ प्रभात कुमार, सीआई वसंत झा, अग्निशामक गाड़ी को लेकर घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और आग को काबू किया गया है, जिस पर बुद्धिजीवी व्यक्तियों ने अंचलाधिकारी प्रभात कुमार, सीआई वसंत झा, अन्य कर्मियों का काफ़ी तारीफ किया। आग की लहर की रफ्तार इतनी तेज थी कि मिनटों में कितने घरों को खाक कर दिया जाता है। आग की चपेट में आए घर ललन यादव, बदन यादव, अजय यादव, सदन ठाकुर, महेश्वर यादव, कामेश्वर यादव सहित अन्य कई लोगों के घर अग्निकांड में जलकर खाक हो गए हैं। वहीं घर में रखे कपड़े, अनाज, फर्नीचर, सोने चांदी, जेवरात, बर्तन सहित 1000 रुपये नगद के साथ सभी सामान जलकर खाक हो गए हैं। अग्निशामक गाड़ी के भारी संख्या में ग्रामीणों के द्वारा अथक प्रयास किया गया, तब तक घर में रखे सारा सामान जल गया हुआ। हवा बहुत तेज होने के कारण लोग घर में रखे सामग्री को नहीं बचा पाए। जानकारी के मुताबिक उसी परिवार में के घर में शादी थी, जिस कारण सारे सामान इकट्ठा किया गया था। वहीं कई जानवर भी झुलस गई। वही आपदा प्रबंधन पदाधिकारी सीओ प्रभात कुमार, थाना अध्यक्ष उमेश पासवान, सीआई वसंत कुमार झा ने घटनास्थल पर पहुंचकर तत्काल राहत दे दी है। वहीं अग्निकांड के चपेट में आर्थिक क्षति का रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया है। मधुबनी जिले से बिस्फी प्रखंड क्षेत्र, राकेश यादव की रिपोर्ट। धन्यवाद।